नमस्कार दोस्तों, हमारी जो पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी इंडियन पॉलिटी, चलिए उस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करें। टॉपिक रहेगा लोकसभा। कल हमने राज्यसभा के टॉपिक पर बात की थी, आज हम बात करेंगे लोकसभा को लेकर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करीब 50-55 प्रश्नों की बात करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, तो वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को कम्प्लीट देखें। देखिए पहला प्रश्न, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का आधार निम्न में से किसे समझा जाता है, यानी लोकसभा में प्रत्येक राज्य को जो सीटें अलॉट की जाती हैं वो किस आधार पर अलॉट की जाती हैं। तो ये दोस्तों जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को सीटें दी जाती हैं, यानी सही जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या। सेकेंड क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उस स्पीकर को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि वो सांसद के पद की शपथ लेता है, वो ऑलरेडी सांसद के पद की शपथ ले चुका होता है, इसलिए वो अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई। जो भारत में पहली लोकसभा, जिस पहली लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को, उस पहली लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो उस पहली लोकसभा की बैठक हुई थी दोस्तों 13 मई 1952, सही आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। चलिए चौथा प्रश्न देखें, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो इंडियन पार्लियामेंट है, जो भारतीय संसद है, उस संसद से अधिनियम पारित करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगर संसद इस राशि को लेकर अधिनियम पारित करे लोकसभा के कार्यकाल के बढ़ाने को लेकर, तो उसका कार्यकाल, उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो सही आंसर होगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। पाँचवा प्रश्न है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित हैं, यानी कौन से संशोधन ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित हैं। तो ये हैं दोस्तों दो संशोधन है, एक 7वां संशोधन और एक 31वां संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां संशोधन। चलिए छठा प्रश्न है, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो राज्यसभा को तो प्राप्त है परंतु लोकसभा को नहीं। अब देखिए कल आपने राज्यसभा पढ़ा था, तो ये अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से अधिकार राज्यसभा को प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा को नहीं है। तो ध्यान देना कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ये राज्यसभा का अधिकार होता है, लोकसभा का अधिकार नहीं है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करना दोस्तों, ये भी राज्यसभा का अधिकार है। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाले प्रस्ताव को प्रारंभ करना, ये भी राज्यसभा का अधिकार है। ध्यान रखना उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है, वो महाभियोग राज्यसभा में ही प्रारंभ होता है। अगर यहाँ पर यह लिखा जाता कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, तो वो पद से हटाने का अधिकार दोस्तों दोनों को है, राज्यसभा को और लोकसभा को, दोनों को है। क्योंकि पद से हटाने के लिए महाभियोग दोनों से पास होना जरूरी है, लेकिन वो जो प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी वो प्रारंभ राज्यसभा में ही की जाएगी, यानी उसको प्रारंभ करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। तो ये तीनों ही अधिकार ऐसे हैं जो कि राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन लोकसभा को नहीं। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखें, 7वां प्रश्न, नवीन लोकसभा के गठन के पूर्व निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है, अतः इस अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। जो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, वो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो ये पूछ रहा है कि इस अस्थायी अध्यक्ष, इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए 8वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों में से सही क्या है, इनमें से सही कथन कौन सा है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता, तो बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, जब लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत करने के संकल्प पर विचार विमर्श कर रही हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है ये बात भी कि जब लोकसभा अपने अध्यक्ष को पद से हटाने पर विचार विमर्श कर रही हो तो वह उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। और अगला ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष सदन में विधेयक को पारित प्रक्रिया के समय किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत देता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो सामान्य रूप में
किसी विषय पर मतदान नहीं करता, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर वोट आते हैं तो ऐसी स्थिति में वह कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है, वह निर्णायक मत दे सकता है। तो यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये आपका सही आंसर है। चलिए नौवां प्रश्न देखें, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार बुलाई जाती हैं? तो देखिए अगर सीधा प्रश्न पूछे कि एक साल में लोकसभा की कितनी बैठक बुलाई जाती है, तो दोस्तों बैठक बुलाई जाती है तीन, लेकिन अगर कम से कम की बात करें तो कम से कम दो बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम कितनी बार, दोस्तों दो बार। दसवां प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना पद त्याग का पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो वो संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो देखिए भारतीय संसद में कौन शामिल है? भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होते हैं। अब इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ऑप्शन में तो है नहीं, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कभी प्रश्न आ जाए, देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो लोकसभा और राज्यसभा भी दिया हुआ है, राष्ट्रपति और लोकसभा भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में जो संसद के जो दो सदन है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो संसद में यहाँ पर हम बात करेंगे कौन शामिल है, तो लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। बारहवां प्रश्न देखें, नई लोकसभा के गठन के बाद लोकसभा के अध्यक्ष चुनने की तिथि कौन निर्धारित करता है? जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष किस दिन चुना जाएगा, इस तिथि को कौन निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर, तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए तेरहवां प्रश्न देखें, लोकसभा का कार्यकाल, अब कार्यकाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये तो दोस्तों गलत कथन है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि एक बार में 1 साल के लिए बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही कथन है, इमरजेंसी के दौरान एक बार में एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगला कथन है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत हो गया, 2 वर्ष नहीं 1 वर्ष बढ़ता है। इसमें से सही कथन बचा वो बचा ऑप्शन सी, ये आपका सही आंसर है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला 14वां प्रश्न देखें, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम मेंबर लोकसभा में कितने हो सकते हैं, ये आपको बताना है। देखिए लोकसभा की दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं दोस्तों 552, ये आप याद रखें, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। चलिए 15वां प्रश्न देखें, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, उस स्पीकर के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, नहीं होगा, गलत है ये कथन। अगला है, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत कथन है। तीसरा है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, दोस्तों ये भी गलत है। और यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये बिल्कुल सही है। यदि स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र डिप्टी स्पीकर को देगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। चलिए अगला 16वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? यानी कौन सी शक्तियाँ ऐसी हैं जो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को प्राप्त हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही कथन है, इन पर केवल लोकसभा का अधिकार होता है। अगला है, धन विधेयक के निरस्तीकरण और अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी बिल्कुल सही है, धन विधेयक को निरस्त करना है या उसमें संशोधन करना है तो उसमें भी लोकसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा है, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी लोकसभा के अधिकार है। और चौथा है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, ये लोकसभा के अधिकार नहीं है दोस्तों, ये राज्यसभा के अधिकारों में आ जाता है। तो लोकसभा के 3 अधिकार राज्यसभा की तुलना में हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पहला, दूसरा और तीसरा। 17वां प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन कैटेगरी से 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, तो नॉमिनेट करने की पावर किसके पास है? तो वो नॉमिनेट करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, तो सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास।
18वां प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान में प्रत्येक राज्य को लोकसभा की जो सीटें अलॉट की जाती हैं वो किसके आधार पर अलॉट की जाती हैं? तो वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर अलॉट की जाती हैं, यानी सही आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। चलिए 19वां प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी कम से कम उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? देखिए SSC 2002, 2005 और 2017 तीन बार तो SSC में पूछा हुआ प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। 20वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी एक तरफ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ है इनके लोकसभा में सीटें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 42 सीटें बिल्कुल सही है। असम की इसने दिखाया कि असम की लोकसभा में 13 सीटें हैं, यही गलत है दोस्तों। पंजाब की 13 सीटें हैं, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल की 42 है, ये भी सही है। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सेकेंड असम। अगला 21वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। इसका आर्टिकल भी आप याद रखें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद कह दें चाहे प्रधानमंत्री कह दें, बात एक ही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। 23वां प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है दोस्तों बहुमत दल का नेता। बहुमत दल का नेता यानी कि प्रधानमंत्री, जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लोकसभा का नेता होता है। तो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। 24वां प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? यानी किसी वित्तीय बिल को कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों केवल लोकसभा में प्रस्तावित होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। 25वां प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख है। अगला 26वां प्रश्न, लोकसभा में इनके स्थान आरक्षित नहीं है? लोकसभा में किसके स्थान आरक्षित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए अनुसूचित जातियां जो SC है, उस SC को अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियां ST को भी अनुच्छेद 330 में रिजर्वेशन दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। और आंग्ल भारतीयों को, जो एंग्लो इंडियन है, उनको आर्टिकल 331 में आरक्षण दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। तो आरक्षण किन के लिए नहीं है? असम के 87 जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में असम के 87 जिलों के अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण नहीं है। 27वां प्रश्न है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही पहले लोकसभा में पारित किए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। 28वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में आंग्लेय भारतीय समुदाय के 2 मनोनीत सदस्यों में से एक केरल से है, तो दूसरा कहाँ से है? जो 15वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन कैटेगरी से 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया, उनमें से एक कैंडिडेट केरल से है, तो दूसरा दोस्तों छत्तीसगढ़ से है। तो सही आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़। 29वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। RS 2013 का क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए आप इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो देखिए वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, 15वीं लोकसभा में कांग्रेस की सरकार थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई, ये कथन दोस्तों गलत है। इसके 3 कूट बिल्कुल सही बने, पहला दूसरा और तीसरा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला दूसरा और तीसरा। चलिए अगला 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है?
यानी कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो देखिए मणिपुर, दादर नगर हवेली और पांडुचेरी, इन तीनों की लोकसभा में केवल एक एक सीट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और पांडुचेरी। अगला 31वां प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, गलत है दोस्तों। मतदाताओं की सूची निर्वाचन आयोग के निर्देशन में तैयार की जाती है। अगला है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, ये कथन भी सही है। इसमें से सही कौन सा नहीं है दोस्तों, तीसरा कथन सही नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला 32वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, अब आपको यही बताना है कि जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम कहाँ रखा जाता है, तो वो सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 33वां प्रश्न है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, कौन से राज्य को लोकसभा में SC और ST में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो देखिए ना ही अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, ना ही जम्मू कश्मीर का है और ना ही मेघालय का है, तीनों में से किसी भी राज्य का नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 34वां प्रश्न है, निम्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण नहीं है, यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे SC के लिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल ST के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। किन राज्यों की ST के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो देखिए ना तो केरल और तमिलनाडु के हैं, ना ही कर्नाटक केरल, ना ही तमिलनाडु कर्नाटक, यानी तीन राज्य केरल कर्नाटक तमिलनाडु, और तीनों के लिए ही रिजर्वेशन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न, देखें निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, अभी इसी वीडियो में यह क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट वाई क्वेश्चन, दो संशोधन है, 7वां संशोधन और 31वां संशोधन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 7वां और 31वां। चलिए 36वां प्रश्न देखें, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है, यानी लोकसभा में जो बिहार की सीटें हैं वो कौन से दो राज्यों की सीटों के बराबर है, तो ध्यान रखना असम और मध्य प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें बिहार राज्य की हैं, तो सही आंसर हो जाएगा असम और मध्य प्रदेश। चलिए 37वां प्रश्न देखिए, निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, यानी कौन से दो राज्य ऐसे हैं जिसकी लोकसभा में समान सीटें हैं, तो दोस्तों देखें पंजाब और पश्चिम बंगाल, पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों की ही लोकसभा में बराबर सीटें हैं। अगला 38वां प्रश्न है, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितने निर्धारित की गई, लोकसभा की मैक्सिमम संख्या कितने निर्धारित की गई, तो इसके द्वारा 31वें संशोधन द्वारा निर्धारित की गई थी दोस्तों 545, तो आंसर हो जाएगा 545। अगला 39वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, प्रेजेंट में जो हो सकती है वो हो सकती है दोस्तों 552, इसका सही आंसर होगा 552। चलिए अगला 40वां प्रश्न देखें, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, दो सदस्यों को नॉमिनेट करता है, वो नॉमिनेट करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। 41वां प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो लोकसभा में अलग अलग राज्यों को जो सीटें अलॉट की जाती हैं वो सीटें दोस्तों जनसंख्या के आधार पर अलॉट की जाती हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। देखिए 42वां प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस सन में किया गया था, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण किया गया वो पहली बार किस वर्ष किया गया, तो दोस्तों वो पहली बार किया गया था, ध्यान रखना 1972 में, 1971 की जनगणना के बाद 1972 में किया गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। 43वां प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, लोकसभा में स्टेट वाइज जो सीटें अलॉट की जाती हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी ये कब तक ज्यों का त्यों रहेगा, कब तक नहीं बदलेगा, तो ध्यान रखें 2026 तक ज्यों का त्यों रहेगा, 2001 में जो संशोधन हुआ था उस 2001 के संशोधन द्वारा इसको 25 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो 2001 में अगर हम 25 जोड़ दें तो 2026 हो जाएगा, ये 2026 तक ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए अगला 44वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन
राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, दो संशोधन है, 7वां और 31वां, तो सही आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां। अगला 45वां प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के दो सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को कौन सी कैटेगरी से नॉमिनेट कर सकता है। तो ये आपको पता है आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, तो सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। देखते अगला 46वां प्रश्न है, देखिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, यानी कौन से राज्य की लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा में सीटों का अलॉटमेंट जनसंख्या के आधार पर होता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होगी उसकी सीटें अधिक होंगी, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो सर्वाधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश की ही होंगी, यानी सर्वाधिक कैंडिडेट भेजता है यूपी। चलिए 47वां प्रश्न देखें, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। देखिए इससे पहले आपने राज्यसभा पढ़ी है, आपने संसद पढ़ी है, वहीं से मैं उन वीडियो सीरीज़ में बताते हुए आ रहा हूँ कि लोकसभा का राज्यसभा का दोनों का ही कोरम 1/10 होता है, कुल सदस्यों का 1/10 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। 48वां प्रश्न देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता भी है, उम्र 30 वर्ष से कम न हो। अब ये कह रहा है कि देखिए कौन सी योग्यता नहीं है, उम्र 30 वर्ष से कम न हो। अब ये योग्यता नहीं है, उम्र 25 वर्ष से कम न हो, ये योग्यता होती है। पागल या दिवालिया ना हो, ये भी योग्यता होती है, और वह सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये भी योग्यता होती है। तो तीन तो योग्यताएँ हैं, भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए सॉरी, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये तीनों योग्यताएँ होती हैं। चौथी योग्यता होती है कि उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ये इसका सही आंसर है। अगला 49वां प्रश्न देखें, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। देखिए लोकसभा की बैठक दोस्तों विघटन द्वारा भी हो सकती है, सत्र अवसान द्वारा भी हो सकती है, स्थगन द्वारा भी हो सकती है, यानी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा विघटित की जा सकती है। चलिए 50वां प्रश्न देखें, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, यदि कोई कैंडिडेट लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ता है और वह कम से कम कितने वोट प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वह अपनी जमानत खो बैठेगा। तो देखिए कुल वैलिड जो टोटल वैलिड वोट्स हैं, यदि उनका कोई भी 1/6 यदि कोई भी 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम 1/6 भाग। चलिए 51वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है, यानी कौन से राज्य से सर्वाधिक एसटी कैंडिडेट भेजे जाते हैं लोकसभा में। तो वो भेजे जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए 52वां प्रश्न देखें, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने तो न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद पर अविश्वास लगाना है तो कम से कम कितने सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव लगाया जा सकता है। तो कम से कम सदस्यों की संख्या चाहिए, वो चाहिए दोस्तों 50, तो सही आंसर होगा 50। चलिए 53वां क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल जीरो आवर कहते हैं दोस्तों, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे जीरो आवर कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। चलिए 54वां क्वेश्चन देखें, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, यानी अपोजिशन में बैठने के लिए कम से कम कितने एमपी होने चाहिए। तो देखिए अपोजिशन में बैठने के लिए कम से कम 1/10 भाग होना चाहिए, तो टोटल मेंबर हैं 545, उसका 1/10 यदि हम ज्ञात करें तो 54.5 यानी अबाउट 55। तो कम से कम जिस पार्टी के पास 55 MP होंगे वो अपोजिशन में बैठ सकती है। चलिए 55वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें अलॉट होती हैं, कई बार बता दिया दोस्तों जनसंख्या के आधार पर, तो सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या। चलिए दोस्तों ये हमने बात की, आज का टॉपिक रहा आपका लोकसभा का टॉपिक। अब लोकसभा के बाद कल हम साथ साथ बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, ये तो हमने केवल लोकसभा की बात की है, कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा लोकसभा अध्यक्ष का टॉपिक। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। लास्ट में फिर एक बार ये कहूँगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में बैठे बैठे हर एक कैंडिडेट घर पर बैठकर पढ़ाई कर सके। धन्यवाद दोस्तों।